हाल में हरियाणा के चुनाव हुए जितने एग्जिट पोल रिजल्ट्स थे जितने भी कयास लगाए गए थे सब धरी की धरी रह गई प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उसके बाद माहौल तो डेफिनेटली बदल गया है महाराष्ट्र में मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जमीन पे मिस्टर फडनविस बीजेपी के लिए क्या बदला है मुझे ऐसा लगता है कि एक जमीन पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है ओके okay. अनफॉर्चुनेटली uh, ये सारे फेक नेगेटिव के कारण जो लोकसभा के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हमारे ध्यान में आया कि नेगेटिविटी तैयार हो गई थी पर हम उसका आकलन नहीं कर पाए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हमको ध्यान में आ रहा था कि नेगेटिव तैयार हो रहा है पर हम लोग एक प्रकार से उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे या हम लोग एक ऐसे मानसिकता में थे कि नहीं भैया तो हमेशा ही चलता है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है तो उसके बाद हमने सजगता से काम किया हमने नीचे ज़मीन पर काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे उतर कर काम किया लोगों में काम किया आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिविटी है मैं ये नहीं कहता कि चुनाव सब बिल्कुल हंड्रेड परसेंट अच्छा हो गया चुनाव टफ ही होता है लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ वी हैव एन एज हमको एज है ऐसी परिस्थिति हमको दिख रही है